तो ये चीज सोचने वाली बात है कि आप कह रहे हो यूपी बिहार, ये लोग जो है ये पर्टिकुलरली ये कम्युनिटी सताई हुई, बहुत सोच समझ के बहन जी ने इस बार अपने प्रत्याशी उतारे, युवाओं को अपॉर्चुनिटी दी। अभी तक आपने जो देश में हर एक के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, आपने झाड़ू पकड़ा है। दलित तो है ही सताया हो, लेकिन अगर गरीब किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी जाति धर्म का है, वो हमारा है। आपका कहना है कि जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो एक जासूसी करवाती है, इसी तरह जासूसी के आधार पे भी कल अगर सरकार भाजपा की नहीं रहती तो एक इंफॉर्मेशन वहां से लीक होती रहे और इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आपका क्या कहना है इसके बारे में? पहले तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपने इतने दम से यह सवाल किया। ये जो पार्टीज है, टीटी तिवारी जी, टंडन जी, कांग्रेस की बात कर लो, बीजेपी की बात कर लो, मैं आपके मंच से ओपन चैलेंज करती हूँ, आप हल्के में मत लो बीएसपी को। नमस्कार, अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ चंडीगढ़ लोकसभा सीट से जो है बसपा की प्रत्याशी रितु सिंह साथ आई हैं। अगर इनकी एक खासियत की बात कहें तो ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, इन्होंने पीएचडी की है। डॉक्टर रितु सिंह के संबोधन से अगर हम इनको बुलाएं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे इस लोकसभा सीट को लेके कि बसपा जो है चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर जो चुनाव में उतरी है, क्या आधार मानते हैं, क्या बेस मानते हैं पार्टी का? पार्टी का बेस बहुत मजबूत है और इस समय बसपा की ही जरूरत है चंडीगढ़ को, और ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसने जमीन पे काम किया हो, जो पैराशूटर ना हो, जो ग्रास रूटर हो, जिसने ग्रास रूट पे काम करके चीजें देखी हो। और बसपा का हमेशा से यही रहा है कि उसने हर एक की बात करी है, हर एक की बात करके पूरी कोशिश करी है कि हर एक के हक उसे मिले, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी विजन से हम आए, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट होगा, जो लोगों के मसले हैं, दिन रात जो झूठा प्रचार होता है, जो चंडीगढ़ का सिर्फ एक चेहरा दिखाया जाता है, चंडीगढ़ का जो दूसरा चेहरा है, दूसरा जो रियल चंडीगढ़ है, वो नहीं दिखाया जाता, उसकी बात होगी और सबको सबके हक मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है। चंडीगढ़ में लगभग 25 कॉलोनियां हैं और बाकी दूसरी जगह पे भी वोट है, एक सामान्य वोट भी है, तो इन कॉलोनियों के अंदर जनरली उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े लोग या उत्तरांचल से जुड़े लोग या दलितों की कही संख्या जो कि पार्टी का बेस है बसपा का, तो वो रहते हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये वोट कैसे आपकी तरफ आकर्षित होगा या नहीं होगा? देखो, ये वोट 100% आकर्षित भी होगा और आएगा भी, क्योंकि वो लोग है, देखो जब आप दलित वर्ड यूज करते हो ना, तो ये दलित पैंथर मूवमेंट से निकला हुआ शब्द है, इसको समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो एक कैटेगरी नहीं है, ये वो लोग हैं जो सदियों से सताए हुए हैं, जिनका सदियों से हक खाया है। अब यूपी से कोई इंसान यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां कुछ नहीं मिला होगा, वहां पे उस टाइम पे इतना पेन तकलीफ होगी कि उनको यहाँ पे एक रिजॉर्ट मिल गया होगा कि ठीक है अब हम यहाँ रह सकते हैं तकलीफ दुख से दूर, रोजगार के सिलसिले में, है ना? उस टाइम की बात करो तो आप कितने साल हो गए, मतलब हमारे माँ बाप की उम्र से भी ज्यादा 50-60-70 साल हो गए होंगे लोगों को आए। तो ये चीज सोचने वाली बात है कि आप कह रहे हो यूपी बिहार, ये लोग जो है ये पर्टिकुलरली ये कम्युनिटी सताई हुई है, इनके हक नहीं, जमीन नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, सदियों से पीढ़ियां सिर्फ एक ही तरीके का काम करके आ रही है। अगर सफाई कर्मचारी की बात करो तो सफाई कर्मचारी का बेटा भी, माँ भी, बाप भी उसी के अंदर है। तो इन लोगों का वोट जो है, इन लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, इन लोगों के अंदर जो गलत राजनीतिक दल जो घुस के इनको सिर्फ वोट बैंक के तरीके से देखा और इनके हक कभी नहीं दिए, कहते ना हाथी पूरा नहीं निकाला, आधा निकाल के पूंछ दबाई रखी। मैं तो कहती हूँ इस केस में आधा ही दबाया ताकि वो गुलामी का एहसास रहे, क्योंकि अगले 5 साल तो और आना है ना, अगर सब कुछ दे दोगे तो वो तो राजा हो गया ना, तो इसलिए राजा को एहसास दिलाना है कि तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो, तुम गुलामी का एहसास। लेकिन इस बार ये बदलाव होगा, चंडीगढ़ की जनता, जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ, जिन मैं प्रचार कर रही हूँ, एक इतने सताए हुए लोग हैं कि जब मैं जाती हूँ तो वेलकमिंग रिस्पांस तो आता है प्यार, लेकिन गालियां भी आती हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दे आर सीइंग, उनको बदलाव चाहिए, उनको ये गवर्नमेंट ये सरकार तो नहीं चाहिए। मायावती जी का कभी उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा आधार था, लेकिन इस बार जो है पार्टी ने पूरे प्रत्याशी भी वहां पे नहीं उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मायावती जी जो एक सक्रिय राजनीति में थी वो एक पैसिव राजनीति की तरफ जा रही है। बसपा का भी बड़ा आधार यहाँ पे रहा है पंजाब के अंदर, इवन चंडीगढ़ के अंदर काफी अच्छी खासी वोट जो है बसपा लेती रही है। एक बार कैंडिडेट्स के साथ मिलके भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, गठबंधन किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से हो रहा है, बसपा धरातल पे क्यों जा रही है? देखो, धरातल पे नहीं जा रही बसपा, जहां है वही है।
अब लोगों को ये समझने की जरूरत है, देखो जब पार्टी बहुत चढ़ती है ना ऊपर, जिस तरीके से चार चार बार सरकार बना के बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने यूपी पे राज किया, और खुद राज नहीं किया, सिर्फ इसीलिए नहीं आया, हर गरीब को, हर दलित जिसे आप कहते हैं, घर मकान सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, बच्चों को फ्री आईएएस आईपीएस की कोचिंग, और वो बने वो निकले, यूपी में सबसे ज्यादा ये चीजें हुई। अब आप कह रहे हो आधार, लोगों के निजी स्वार्थ, लोग भूल जाते हैं कि जिस अपॉर्चुनिटी, जिस रिप्रेजेंटेशन को आप लेकर आए हो, आपकी कुछ जिम्मेदारी है। ये जो हॉगओवर है लोगों के अंदर कि आज ये वाली पार्टी कल वो वाली पार्टी, यहां से पार्टी के अंदर नेम फेम कमा लिया, अच्छा किया, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आप अक्सर उन मूर्खों को इधर उधर जाते देखोगे जिनके पास विचार ही नहीं है। तो जिनकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग है, जिनका बेस स्ट्रांग है, वो कभी भी इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता समानता की बात करना, स्वजन की बात करना, बहुजन की बात करना, वो इस पार्टी में अगर वो मिलेगा तो। बसपा कहीं भी नहीं जा रही, बसपा अभी तक वही है, और बहन जी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। एक एज होती है, आपके भी एज में और मेरी एज में फर्क है, और शायद आपके फादर साहब जो होंगे वो उस टाइम पे इतने एक्टिव होंगे, और आज उनका वो एक्टिवनेस नहीं होगा जो आपके अंदर है, और आपके अंदर वो नहीं होगा जो मेरे अंदर है। सो एक एज के हिसाब से आप एक लीडर को उस शेप में भी देख सकते हैं, लेकिन शी इज वेरी एक्टिव पॉलिटिकली, शी इज इंटेलेक्चुअल, और वो इतनी स्मार्ट पॉलिटिशियन, उन्हें पता है कब उन्हें क्या करना है। और अब दूसरी लास्ट सवाल, आप उसमें एक बड़ा हिंट था आपका कि पूरे प्रत्याशी नहीं उतारे, बहुत सोच समझ के बहन जी ने इस बार अपने प्रत्याशी उतारे हैं, युवाओं को अपॉर्चुनिटी दी है, ग्रास रूटर्स को अपॉर्चुनिटी दी है, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जिनका आधार है, जिनके पास लोग हैं, उन्हें बहन जी ने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है कि उन्हें ये पता कि ये लोग बिकने वाले नहीं है, ये लोग झुकने वाले नहीं है, ये लोग सबकी बात करके सबको इंसाफ दिलवाएंगे, अपने लिए भी लड़ेंगे और दूसरे के लिए भी। आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठी है, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, बताइए किसी अपॉर्चुनिटी, किसी और पार्टी ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हो? सिर्फ दिखावा करना, बोलना कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू करेंगे, एक बोलता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी, विच इज वर्किंग ऑन ए फुली फेक एजेंडा, दूसरी पार्टी कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। बताइए कांग्रेस पार्टी की कितनी लड़कियां लड़ रही, बताइए मुझे कहां 33% रिजर्वेशन लागू किया, कितनी लड़कियां इन्होंने उतारी है लड़ने के लिए, कितनी लड़कियों के साथ ये खड़े रहे। मरने पर राजनीति मत करो, जब दलित आदिवासी पिछड़ा मर जाता है तो मोमबत्ती लेके मत आओ, उस टाइम पे आंसू मत गिराओ। तो ये दोनों का जो पैटर्न है इस तरीके, इसीलिए ये जो युवा पीढ़ी को मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए कि हाँ अब लीडरशिप जमीन से आएगी, एंड वी आर वेरी थैंकफुल बीएसपी पार्टी के और बहन जी के। लेकिन अगर आप 80 के दशक से देखो, एक गठबंधन की राजनीति जो है बड़ी अहम रही है, और उस गठबंधन की राजनीति में बसपा की अकेली सरकार तो बनी नहीं, तो आपको किसी ना किसी आइडियोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ जाइए, जिसे कि इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, कांग्रेस उसको लीड कर रही है। दूसरा जो है भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार कह सकते हो, तो उस गठबंधन में से आपकी आइडियोलॉजी किसके ज्यादा करीब है? मेरी आइडियोलॉजी किसी के भी ज्यादा करीब नहीं है दोनों में से, क्योंकि दोनों के पास बेस ही नहीं, विचार ही नहीं है दोनों के पास नहीं है। और अगर आप बात ये कहें कि बीएसपी किसको चूज करेगी, ये सारी चीजें सीनियर लीडरशिप के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। बट मुझसे अगर आप पूछेंगे, आई एम नोन फॉर माई व्यूज, आई एम नोन फॉर माई स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड, तो मुझे नहीं लगता कभी भी ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। इसीलिए अगर जाना होता तो इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस होता, स्ट्रिक्ट क्लियर कट अलायंस है, कैडर पे काम करते हैं हम लोग, कैडराइज करते हैं लोगों को। आप लोगों ने भैंसी की रैलियां देखी होगी, कभी कुर्सी खाली नहीं गई होगी, वो लोग हमेशा कुर्सियों पे रहते हैं, वो लोग वोट भी करते हैं। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि वो लोग जो भीड़ में दिखते हैं वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होते, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने गद्दारी करके सारा पैसा, अखबार, टीवी जो कब्जाया है, गरीबों को और गरीब बना दिया, सब प्राइवेट सेक्टर्स को कब्जा लिया, पूंजीवादियों को कब्जा लिया, उन लोगों ने मशीनों को भी कब्जाया। वो जो वोट है, क्योंकि आपने शायद 2019 में, मैंने एक डेमो करके दिखाया था कि किस तरीके से विनिंग पार्टी जो है विन कर रही होती है। यहाँ के प्रत्याशियों की पढ़ाई लिखाई की, तो संजय टंडन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, और इसी तरह मनीष तिवारी, आपको मालूम है कि लॉ ग्रेजुएट है और सुप्रीम कोर्ट तक जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह की बात करें, तो उन्होंने भी पीएचडी करी हुई है, वो कहीं से कम नजर नहीं आ रही। तो आप इसमें क्या मानते हैं कि राजनीति में आपके आने की भावना कैसे जागृत हुई? देखो, राजनीति में when everything becomes politics, decide your politics. Simple, clear funda. The air we are breathing, आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हर चीज में पॉलिटिक्स है।
है ना, आपके करियर के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, आपकी जॉब्स के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, आपका जॉब्स नहीं है, आपका करियर नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, आपकी नई शिक्षा नीति लाके शिक्षा को महंगा कर दिया, जहां पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसको प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी देखा जा रहा है। तो हम जैसे युवा जिन्होंने डिग्रीज सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं ली, जिन्होंने डिग्रीज जो ली है वो सिर्फ इसलिए नहीं ली कि ठीक है एक और लैंडमार्क एक और चीज ऐड होगी उसी भी में, नहीं, हमने पढ़ाई करी है सवाल करने के लिए, अपने हक जो है, जो हमारा बेस है कि क्या है, क्या करना है, किस लिए आए, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जो थ्योरीज, ये जो किताबें, ये सवाल करने तो सिखाती हैं। तो इसलिए जब ये सारी चीजें जब डाका पड़ रहा हो आपके सामने, तो आपको बोलना है, आपको आना है, और यूथ को तो पॉलिटिक्स में आना ही है। वो थोड़ी ना पॉलिटिक्स में आएगा जिनका कोई बेस नहीं आज इस पार्टी में। अभी पंजाब में आपने देखा, एक दिन एक पार्टी में, दूसरे दिन दूसरी पार्टी में, आम आदमी पार्टी वाले की बात करूं, तीसरे दिन तीसरी पार्टी में जाके बीजेपी का पट्टा पहन लिया। और फिर इसी तरीके से अमूमन ऐसा हो रहा है कि आपके अगर विचार हो, अगर आप पढ़े लिखे खाली डिग्रीज वाले ना हो जो आपके सीवी के अंदर रहती हैं या वो फाइल के अंदर, अगर आप वाकई में आपने वो पढ़ाई करी है जो जरूरी है, तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। और आपको इन थके हुए लोगों को जिनके पास कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, जिनको बस साम दाम दंड बेच करके सत्ता में रहना और वो कुर्सी चाहिए, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के तरीके से होगी, जो डर्टी पॉलिटिक्स इन्होंने बना दी है कि लोग अपने बच्चे पॉलिटिक्स में भेजते हुए डरते हैं, लोग अपने बच्चों को आवाज उठाते हुए डिसेंट को खत्म करते हैं कि नहीं बोलना नहीं है वरना मारे जाओगे, बोलोगे तो पर्चे होंगे, इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। हम जैसे युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। इसलिए इंडिया गठबंधन जो है लगातार एक आरोप जो है भाजपा के ऊपर लगा रहा है, वो आरोप ये लगा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। एक आपकी बात भी मैं सुन रहा था और उसमें भी ये एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आप बोल रही हैं कि इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, वहां पे आरएसएस के या एबीवीपी के या उनकी विचारधारा से जुड़े लोगों को जो है फिट किया जा रहा है। आपका कहना है कि जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो एक जासूसी करवाती है, इसी तरह जासूसी के आधार पर भी कल अगर सरकार भाजपा की नहीं रहती तो एक इंफॉर्मेशन वहां से लीक होती रहे और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? पहले तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपने इतने दम से ये सवाल किया, ये तो सवाल ही लोग नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मुद्दे आपने आरएसएस के, आपने इसको एक्सपोज करने के मुद्दे रखे। इट इज लाइक दैट ओनली, ये एक एजेंसी है, ये एक इतना गंदा फ्रेमवर्क से चलती है, जिसे कहते हैं ना दीमक जब लगता है वो खराब करता है पूरा, ये दीमक है पूरा। ये उस लेवल पे काम कर रही है जो देश के जो एंटी ना, हर काम वो है जो नेशन के खरे हित में नहीं है। तो जो नेशन के देश के हित में नहीं होता वो एंटी नेशन नेशनल होता है, एंटी नेशन काम होता है। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यूनिवर्सिटी को कब्जाना शुरू किया, क्योंकि वहां से हम जैसे लोग निकलते हैं, वहां से विचार निकलते हैं, वहां से जब हम जैसे लोग निकलते हैं तो वो सवाल करते हैं, तो उसको कैसे खत्म किया जाए। अब गरीबों के बच्चे भारी संख्या में आ रहे हैं, हम जैसे बच्चों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, वो आगे जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो डबल मेहनत कर रहे हैं बेहतर करने के लिए। तो जब वो पढ़ते हैं संघर्ष करके, हर स्टेप पे संघर्ष करके जब हम सीखते हैं, तो हम सवाल करते हैं ना जी कि अभी तक मेरे जो बुजुर्ग, जो मेरे परिवार के मन के, मेरे समाज के लोग नंगे बदन सीवर में उतर रहे हैं, अभी तक उनकी वहां मौतें हो रही है। 77 साल आप देश का गाना गाते हो कि 70 साल आजादी हो गए, अभी तक आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तक सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी के लिए की ही बन रहा है, उसी तरफ उसका रुझान जा रहा है। अभी तक आपने जो देश में हर एक के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, आपने झाड़ू पकड़ा है बच्चे बच्चे के हाथ में, ये सवाल है। तो इसलिए ये जो आरएसएस का एक नेक्सस पूरा काम करता है, विश्वविद्यालयों में लोगों को धर्म की आड़ में उलझा दो, नफरत करवा दो, विद इन कम्युनिटी लोगों को लड़ा दो, जैसे अगर एक दलित समाज है उसके अंदर विद इन कम्युनिटी लोगों के अंदर लड़ाई लड़ा दो कि ये तो तुम्हारा सब खा गए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, उनको एक नकाब पहना के धर्म का हिंदू बना के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, ये सबसे पहला तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं, काम नहीं किया। स्ट्रक्चर से ऊपर आते हो तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने भी लोग बड़े पैमाने पे, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, पढ़ा रहे हैं, अब हमने कैसे चलाकी पकड़ी, एक छोटे से यूनिवर्सिटी जो कहीं रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, उस यूनिवर्सिटी का इंसान आता है और वो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाता है, और वहां पे जो 10-12 साल से पढ़ा रहा है वो ऑल ऑफ सडन एक दिन में नॉट फाउंड सूटेबल हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। और पिछले 2011 से लेके इसमें कांग्रेस भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, दोनों ने ये कांड किया है काम, क्योंकि मैंने वही कहा ना, पूरा हाथी दे दोगे ना तो राजा बन जाएगा ना, जनता तो राजा ही है, उसको एहसास हो जाएगा कि मैं राजा हूं, मैं किंग मेकर हूं, लेकिन उसको एहसास दिलाना है गुलामी का, इसलिए कांग्रेस ने उस स्ट्रक्चर को परमानेंट नहीं किया। तो वो जब बीजेपी आई
तो उसने एकदम से स्टैंप लगा दी। उसने भी उसको पूरा 5 साल तक 10 साल तक ऐसे ही चलाया। और अब जब उनको पता चला कि कुछ नहीं किया, जनता जागरूक हो रही है, लोग, तो कुछ भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो झटके से 1 साल के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे पीयू, चाहे डीयू, चाहे जेएनयू, जेएनयू, कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरीके की है, उसमें लगातार भर्तियां करना असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे शुरू कर दी, नॉन टीचिंग की भर्तियां करना परमानेंट करना शुरू कर दिया, और हर एक जगह से अपना कैडर लाया। वो एक जासूस, वो एक गद्दार उस पोजीशन पे बिठाया कि उसके अंदर क्वालिफिकेशन उसकी क्या है। अगर आपको आज के टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पानी है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आप आरएसएस में कितनी देर से हो, कितनी दरियां आपने उठाई है, कितने पत्तल आपने बिछाए, कितनी जगह लंगर लगाया, कितने आप पन्ना प्रधान हो, कितना चंदा इकट्ठा करके आपने संगठन को दिया है, दिस इज योर क्राइटेरिया। और आपने कितनी मीडिया में स्टेटमेंट्स दिए हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पे, दिस इज योर क्राइटेरिया। अगर आप इसमें फिट इन होते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, नॉट हियर, यू कैन गो डायरेक्ट। जी, आप एक बड़ी आईएएस की पोजीशन पे भी जा सकते हो लेटरल एंट्री से। सो सर ये क्राइटेरिया है, और वो जासूस आपको पूरी इंटरनल इंफॉर्मेशन देगा, वो पूरे सिस्टम को ऐसा हैक कर देगा। एक डिपार्टमेंट मान लीजिए, जैसे मैं साइकोलॉजी विभाग से हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपको 2-3 ऐसे होंगे जो इन्होंने अपने छोड़े होंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर बच्चों के अंदर वो आइडियोलॉजी, पूरे सिस्टम को टीचिंग या नॉन टीचिंग उस आधार से चलाना, पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया सर, पूरा सिस्टम खत्म कर दिया है। ये सिस्टम में भर्तियां इस बेस पे और पैसे के बेस पे हो रही है, इसमें जो टैलेंट है वो मारा जा रहा है, टैलेंट पीछे पीछे किया जा रहा है। तो कहां विकसित भारत हो रहा है, कहां बढ़ रहा है, कहां विश्व गुरु बन रहा है, इट इज फेक एजेंडास। फर्क इतना है, आपने कांग्रेस और बीजेपी का नाम लिया, तो मुझे जरूरी है दोनों का खोलना क्या किए। जो जो नीतियां कांग्रेस लेकर आई थी, जैसे प्राइवेटाइजेशन पूरा कांग्रेस लेकर आई थी, ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस लेके आई थी, नई शिक्षा नीति कांग्रेस लेके आई थी, उसके बाद ये अपना 60 से 62 कांग्रेस लेकर आई थी, प्रमोशन में जो आपका ये जो बेस है कि आपको रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलना, ये सारे बेसिस कांग्रेस के थे। बीजेपी ने क्या किया, वो स्लो पॉइजन दे रही थी कांग्रेस, इन्होंने इमीडिएट पॉइजन दिया, इन्होंने इमीडिएट स्लॉटर किया आपको, तो वो धीरे धीरे काट रही थी। तो ये दोनों ने ये किया तो कहां पे भला हुआ, ना बहुजन का भला हुआ, ना सर्वजन का भला हुआ। तो इसीलिए हमारी जो विचारधारा है, सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करने की विचारधारा है। हम जैसे युवा को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम एक ही नारे से चलते हैं कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबकी बात। दलित तो है ही सताया हो, लेकिन अगर गरीब किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी जाति धर्म का है, वो हमारा है। हमने इंश्योर करना है कि उसको उसके राइट मिले और उसकी आवाज बननी है। आरक्षण को लेके बात हो रही है, ये एक सवाल लगातार उठ रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है डंके की चोट पे जो अपनी रैलियों के अंदर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आरक्षण जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सिर्फ ये प्रधानमंत्री है ना, तो मेरे मुंह से इज्जत ही निकलेगी। आरक्षण वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन सरकारी नौकरियां खत्म कर दो। आरक्षण वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि गरीब अफोर्ड ना कर पाए, पूरे इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट कर दो। तो ये झुमला किसी और को दिखाएं, और उन्होंने जोड़ के सिवा कुछ नहीं बोला। मैं आपके चैनल से ना यहाँ से अभी चैलेंज करती हूँ मैं मोदी जी को, आप पिछड़ा वर्ग से कहते हैं ना, आप अपने को गरीब दलित बताते हैं ना पिछड़ा, आप एक बार किसी के साथ नहीं मेरे साथ डिबेट में बैठिए, एक बार छोटी सी आप हक है ना यार, डेमोक्रेसी में हमें बात करेंगे रखने का, तो डेमोक्रेसी है, बात करो ना, आओ ना, सवाल जवाब करते हैं, बात करते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है अखबार मीडिया झूठ दिखा रहा है, हो सकता है वही है, लेकिन बात करो। इस टेबल पे एक बार मोदी जी को बैठाओ और आप यहाँ बैठो, मैं चाहती हूँ हमारे सवालों के जवाब मिले, ताकि झूठ जो प्रचार हो रहा है लोगों के सामने, क्योंकि जो एक चेहरा मीडिया के थ्रू मोदी 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 इफ नॉट इन मोदी देन हु, ये जो क्रिएट कर दिया गया, इसको हम जैसे युवा तोड़ेंगे, और इस गंदे झूठे बेस की रीढ़ की हड्डी हमें तोड़नी होगी, और हम जैसा युवा तो बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए हम हाशिए में, इसलिए हम टारगेट पे, इसलिए हम FIR जेलते हैं, पर्चे जेलते हैं, इसलिए हम जैसे बहुत लोग जिन्होंने सच की आवाज उठाई वो जेलों में बैठे हैं। तो ये है, लोकसभा का चुनाव है, और आपको क्या लगता है कि इसमें जो है राष्ट्रीय मुद्दे अहम रहेंगे, या जैसे आप चंडीगढ़ सीट से प्रत्याशी, तो चंडीगढ़ सीट के भी लोकल मुद्दे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप जो है आगे बढ़ रही हैं। प्राइम मुद्दा जो मैंने जब जिन बस्तियों का आपने नाम लिया कॉलोनीज का, जब मैं उन कॉलोनीज में जाती हूँ, लोग प्रताड़ित त्रस्त हैं ठेकेदारी से, जब ठेकेदार उनसे पैसा भी लेता है पहले लगाने के लिए उनको, फिर उनको सताता है, फिर उन्हीं को जो सफाई कर्मचारी हैं, खासकर अगर मैं निचले तबके की बात करूं, उनको उनके अधिकार नहीं, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं कि ग्लव्स ही मिल जाए सफाई करने के लिए, मास्क ही मिल जाए कि वो बीमारियों से बच जाए, क्योंकि वो सबसे गंदा काम कर रहे हैं, वो मतलब
खैर इस चीज पे क्या ही बात करें, हालत देख के बुरा लगता है उनका। तो ये जो लोग हैं जो हाशिए पे हैं, कुछ नहीं है जिनके पास, इनके मुद्दों को सॉल्व करना मेरी प्रेरोगेटिव है और प्रायोरिटी है कि ठेकेदारी नहीं, सरकार ने जो अपने हाथ हटा दिए हैं, उठा दिए हैं कि प्राइवेट संस्थानों में सब कुछ दे दिया, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, इनको सरकारी नौकरी मुहैया करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जब मैं गई, क्योंकि शिक्षा में एक एकेडमिशियन हूँ, अपने आप को कभी भी शिक्षा से दूर नहीं देखती। अभी बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे जो है वो बैठे हुए थे, आपने जिस तरह से रिजर्वेशन की बात करी, उनके रिजर्वेशन को लेकर वो बैठे थे। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन मिल रहा है, जब बाहर की आप बात करो लागू है 27%, यहाँ कुछ बेसिस पे अगर स्टेट का मसला देखो तो 12% है, उनको ना 12 मिल रहा ना 27 मिल रहा, वो 5% है। तो ये क्या है, इन चीजों पे कौन बात करेगा? इन चीजों पे डॉक्टर रितु बात करेगी, उनको मुहैया करवाएगी। फिर आप उन बच्चे जब हक की आवाज उठाते हैं तो आप उन पे पर्चे करते हो, उनके हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। मैं गई, मैंने उनके दर्द सुना, उनका धरना देखा, ये बातें मेरे घर। दूसरा, आप बाहर से आए, आप चंडीगढ़ में रह रहे बैठे हैं, जमे पले आप यहाँ पे, आपने मकान लिया, आपने उस मकान की लोन दे दिया, सब खत्म कर दिया, अभी तक मालिकाना अधिकार नहीं है आपके उसके, आपके उन मकानों के। मतलब दिस इज लिटरली, ये वही बात है कि आप हमेशा जनता को इतना प्रताड़ित रख रहे हो, इतना डर में रख रहे हो, ताकि जब दोबारा 5 साल बाद राजनीति आएगी, टाइम आएगा इलेक्शंस का, तो आपका दलाल आपके बीच क्या जाएगा, चोनी के समाज का होगा, उसको आप पैसा देंगे और दारू देंगे, और वो जाके जनता के बीच में बोलेगा इस बार मालिकाना अधिकार तो यही दिलवाएंगे आपको और कोई नहीं दिलवाएगा। दूसरा कांग्रेस का जाएगा, वो ये बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं कुछ करवाएंगे, कांग्रेस करवाएगी, कांग्रेस आपको ये सारे अधिकार दे, ये गेम चल रही है। वो इन बस्तियों में, ये दोनों प्रत्याशी मिस्टर टीटी टंडन एंड तिवारी, उन बस्तियों में गए भी नहीं है ये लोग, जिन बस्तियों की स्थिति आप मेरे सोशल मीडिया पर जाके देखिए, मैंने असली चंडीगढ़ दिखाया। तो ये मुद्दे बहुत अहम मुद्दे, नीड बेस्ड चेंज का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है कि आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन अगर इंटरनली वो करते हैं, आप पर्चा दे देते हैं, आप वहां पे भी अपना डराए रखते हैं, फिर आप जाइए चलिए मेरे साथ, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी लड़ाई बहुत अहम लड़ाई है। नहीं है रोजगार तो बेचारे श्रम करते हैं, कहीं पे भी छोटा मोटा रोजगार लगा के बेचते हैं, हॉकर्स जो हैं, रेडी पटरी वाले, इनको इनकी रिस्पेक्टेबल जगह दिलाना। मैंने 15 की मार्केट में पूरा दौरा किया था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था, उन लोगों को ऐसी जगह खड्डे में डाल दिया जहां दीवार ही पीछे बंद कर दी, जहां से फुटफॉल आना था, फुटफॉल आता तो बिक्री होती, पूरा दिन से लेकर शाम तक वो बैठते और 1 रुपया भी नहीं कमाते। तो ये मेरे मुद्दे हैं, उन लोगों को एक रिस्पेक्टेबल वेंडिंग जोन बना के देना, दीज आर द इश्यूज बेसिक जिसपे आपको काम करना होगा। चंडीगढ़ के बच्चों को यहाँ का अधिकार देना, जो यहाँ पे जन्मे पले हैं उनका, यहाँ पे उनको इंश्योर करना कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाऊंगी जिसमें बहुत सारे लोगों को बिठाऊंगी, सबके व्यूज लूंगी, लेकिन इंश्योर करूंगी कि वो बच्चे बेचारे धक्का ना खाएं, वो बच्चे यहाँ पढ़े, पढ़ने का अधिकार हो, उनके एडमिशन यहाँ मिले, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन हो, उनको यहाँ नौकरियां मिले। चंडीगढ़ के बच्चे गुड़गांव जा रहे हैं नौकरी करने, मुझे माए बोलती है कि मेरे, अभी मैं एक कॉलोनी में गई थी, वो बोलती है कि मेरा एक ही बेटा है, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, और मेरा बच्चा जो है ये गुड़गांव जा रहा है नौकरी करने के लिए, कितने हजार रुपए, 16,000 रुपए पे, ये तो है। और एक माँ बोलती है कि 3 बेटियां इतनी पढ़ी लिखी है, तीनों वेली घर पे बैठी है, बताओ मैं क्या करूं, और चंडीगढ़ में इतने इतने साल हो गए हमें यही जन्म में पले। तो ये बहुत अहम इश्यूज है सर, कहाँ दिया? अगर किसी भी सरकार ने देना होता, आज ऑटो यूनियन वालों की बात करो, ऑटो यूनियन वालों का जब एक बंदा हड़ताल पे बैठा था, भूख हड़ताल पे, कि उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे, ऑल ऑफ सडन टंडन जी जाते हैं और उसको जूस पिलाते हैं, उसकी भूख हड़ताल तोड़ते हैं और बोलते हैं मैं ये करवाऊंगा, तो 10 साल तक तो आप ही की सरकार थी, क्यों नहीं करवाया, ऑल ऑफ सडन कैसे करवा दिया? तो ये जनता को समझने की जरूरत है, मुद्दे मेरे सोशल मीडिया पे हैं, वो मुद्दे नहीं, वो दर्द है, वो उनके हक है जो मुझे उन्हें दिलवाने हैं, और मैं कमिटेड सोशल वर्कर हूं, मैं इन चीजों पे काम करूंगी, क्योंकि मुझे मजा ही काम करने का लोगों के बीच में आता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी संजय टंडन के ऊपर, जो भाजपा के प्रत्याशी, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये अमृतसर से है, मूल रूप से चंडीगढ़ के नहीं है, और संजय टंडन जो है मनीष तिवारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है कई लोकसभाओं से भागे हैं, जैसे लुधियाना से भागे, जीतने के बाद आनंदपुर साहब से भागे हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये आरोप आपके ऊपर भी लग सकता है क्योंकि आप मूल रूप से अमृतसर के हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सवाल पहले आप मोदी जी से पूछे, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है। तो जैसे अगर पीएम की बात करो तो वो भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, अदर देन दैट आइडेंटिटी। तो ये सवाल उनसे भी किया जाना चाहिए कि आप गुजरात के हैं तो आप वाराणसी में क्या कर रहे हैं? लोकसभा लोकतंत्र में संविधान आपको इजाजत देता है, आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। और मेरी अगर आप बात करो तो मेरा 90% परिवार यहाँ रहता है,
मैंने एमसीएम डीवी कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने पढ़ाई करी, ऑलमोस्ट एक साल के बीच में मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मेरा चंडीगढ़ से आज का रिश्ता नहीं है। और मैं क्लेम नहीं करूँगी कुछ भी फेक कि भैया मैं इतने था जमया पलिया मैं यह किता, नहीं, मुझे काम करना है। मुझे मेरी पार्टी कहीं पे भी प्लेस कर देगी, मैं अपना 100% दूंगी। और यहाँ के बच्चों का, पंजाब यूनिवर्सिटी का खासकर, मेरे साथ एक रिश्ता रहा है अहम, जो मैंने लड़ाई अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ी 229 दिन की, उसमें जो चंडीगढ़ के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुद्दे इश्यूज बिल्कुल सेम है, वो इश्यूज वो बच्चे यूनिवर्सिटी में तो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे वो भी हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं, बस्तियों में, कॉलोनियों में, जिनको उनके मकान के अधिकार नहीं मिले, वो बच्चे वही हैं जिनके माँ बाप रेडी पटरी लगाते हैं, वो बच्चे वही हैं कि जिनको, जिनके माँ बाप श्रम करते हैं, जिनके माँ बाप सफाई कर्मचारी हैं। तो मेरे लिए तो ये मुद्दे सारे एक हैं, तो मुझे तो इनके लिए काम करना, और मैं कमिटेड हूँ। और रही बात मिस्टर बोथ, ये जो पार्टीज हैं, टीटी तिवारी जी एंड टंडन जी, कांग्रेस की बात कर लो, बीजेपी की बात कर लो, मैं आपके मंच से ओपन चैलेंज करती हूँ, आप हल्के में मत लो बीएसपी को, और नहीं लेना, यू कैन नॉट अफोर्ड ये डील करना। मीडिया तो पूरा बेस्ट तरीके से काम कर रहा है सिर्फ दो चेहरे दिखाने के लिए कि एक कांग्रेस और एक तिवारी के, दोनों के बीच में फाइट है, लेकिन जमीनी फाइट बहुत अलग तरीके से चल रही है, जो मैं देख रही हूँ, जो हम कर रहे हैं, जमीन जो हमने पकड़ी है, जिन कॉलोनियाँ, जिन बस्तियों में इनको वोट मिलते हैं ना, जो इनका वोट बैंक है, जो इनको वोट देके जिताता है, उस कॉलोनियों में जाके भी नहीं देखते जिस कॉलोनियों में हम काम कर रहे हैं। और रही बात इन दोनों की, एक को बोली अपना अनंतपुर साहिब का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए, लुधियाना का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए, अब पार्टी का नहीं, पार्टी तो ठीक है, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तुमने क्या किया अपने अपने सेक्टर वहां पे, जो लोकसभा क्षेत्र थे, आप लोगों ने क्या किया, ये सारा रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। और टंडन जी को बोलो, आप तो जरूरी लेके आओ, आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या किया, अदर देन द फैक्ट कि आप इनके बेटे हो, आप इस इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हो और आपके पापा लीडर है एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के, इसके अलावा आपका क्या आधार है, आपने क्या किया है, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ। और जितने मुद्दे आपने लिखे हैं, मैं चैलेंज करती हूँ, आप अपने मुद्दे लेकर, मैं अपने मुद्दे लेकर आऊंगी, फिर जनता के बीच में, चंडीगढ़ की जनता को पता चलेगा कौन उनका असली प्रत्याशी है और किसको जिताना चाहिए और कौन सिर्फ जुमले लेकर आया। और कांग्रेस के वादे, मैं चाहती हूँ चंडीगढ़ की जनता, क्योंकि मैं आपके बीच में जा रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के इस चैनल के माध्यम से विनती करती हूँ कि आप लोग दुखी हैं, आप लोग ये कहते हैं कि कमल तो आने को रहा, बदलाव चाहिए जी, टंडन को तो वोट नहीं मिलेंगे, कमल को, लेकिन अगर आप कांग्रेस को भी ये वोट देते हैं, जाता है आपका, तो फिर भी हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि वो प्रत्याशी जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा किया है, पहले उस कैंडिडेट से लोकसभा क्षेत्र आनंदपुर साहब, लोकसभा क्षेत्र लुधियाना का हिसाब किताब मांगना, क्योंकि वहां के लोगों से जो हमारी बात हुई, वहां के जो हम वीडियोस देख रहे हैं, ये वहां कुछ नहीं करके आए, इन्होंने एक भी वादा जो भी किया होगा पूरा नहीं किया। और कौन सा वो इंसान है कि आप अपना घर 5 साल में बदलते हैं, आप अपना घर हर 5 साल में बदलते हैं, जहां पे आपने काम किया हो, जिस घर से, जिस धरती से आपको प्यार हो, वो हर साल 5 साल में सर आप नहीं बदलते। आपने लुधियाना बदल दिया, आपने आनंदपुर साहब बदल दिया, क्योंकि कुर्सी चाहिए, क्योंकि हमें पता थी कि उत्थो छित्तर पहने, तो इसलिए यहाँ आ जाओ चंडीगढ़ को बेस बना लो, यहाँ की जनता को बरगलाओ, एक माहौल बनाओ और सीट ले जाओ। चुनाव आयोग में आपने जो एफिडेविट सबमिट किया है, उसमें वो आपके ऊपर जो है कई सारे केस दिखाए गए हैं, 7-8 केस हैं शायद, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्यों केस दर्ज हुए, ये वजह क्या थी? क्योंकि लड़े, झुके नहीं, डरे नहीं, लोगों की आवाज उठाई, और इन्हीं की सरकार ने, जिन पे, इन पे कोई पर्चा नहीं किया, हम पे पर्चे किए, क्योंकि हमने इन्हीं की गंदी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। जो मेरा केस एक चल रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां आरएसएस की प्रिंसिपल बैठी है, उसने जो फ्रॉड किया, जो फ्रॉड पकड़ा गया, उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसके बाद चार्जशीट हुई, अभी तक वो कार्यरत है। तो उसको हटाने के लिए, उसको सस्पेंड करवाने के लिए हमने धरना किया। जब उस धरने ने 200 दिन के बाद एक देशव्यापी पूरा माहौल बना दिया था, पूरे भारत से लोग उस धरने में आ रहे थे, ये समझ के कि हाँ ये असली इशू है जो हम फेस कर रहे हैं, और जब लोगों को ये लगने लगा, रिलेट करने लगे, तो इंटरनेशनल पहचान भी मिली, बाहर भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स छपे, बाहर भी बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, तो ये डर गए। ये डरते तभी हैं जब इनके बस में चीज नहीं रहती। तो जब इंसान डरता है, तो खासकर मोदी सरकार जैसी सरकारें पुलिस को आगे करती हैं, तो वो पुलिस के थ्रू उठाना था धरने को, तो उस धरने को उठाने के लिए आसाम नाम दंड भेद से, एक सौ पहले तो 144 सेक्शन लगाया कि 4 लोग एक साथ ना बैठे, तो वो मुझ पर एक दिन पर मैं झुकी नहीं, पीछे नहीं हटी, एक दिन छोड़ के एफआईआर, एक दिन छोड़ के एफआईआर, तो इसलिए वो जो एफआईआर है दे आर माई मेडल्स, पर्चा भी है तो चर्चा भी है, तो मैं इनके झूठे फर्जी पर्चों से डरती नहीं हूँ। इट एक्चुअली इन पर्चों ने हमें और स्ट्रांग किया, इन पर्चों ने हमें और सच बोलने में मजबूर किया, इन पर्चों ने, वो जो कहते ना कि आप किसी को इतना डराओगे कि उसका डर ही निकल जाएगा,
तो इन लोगों ने इतना डरा दिया हमें कि इनके पर्चे से, इनके जेल से, इनकी धमकियों से अब जनता को और हम जैसे यूथ को डर नहीं लगता। चंडीगढ़ की जनता आपको क्यों चुने, क्या यूएसपी लगता है आप में, क्या ऐसी योग्यताएं हैं कि चंडीगढ़ की जनता उन दो बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को छोड़ के आपको चुने? मैंने अभी एक मिनट पहले बताया उन प्रत्याशियों के बारे में कि खुद कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, मेरा 10 साल हो गया संघर्ष को, मेरा रिपोर्ट कार्ड देखना तो पूरी मेरी सीवी सोशल मीडिया पे पड़ी है, आप पुरानी पोस्ट 2016-17-15 से देख सकते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो बच्चों के स्कॉलरशिप के मुद्दे थे, चाहे वो स्टूडेंट्स के हॉस्टल के मुद्दे रहे हों, चाहे वो 4 ईयर प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी चीज़, जैसे अभी 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट को डिल्यूट करने का मसला था, पूरा भारत बंद था, चाहे वो इस तरीके की लड़ाई हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, CNRC का आंदोलन हो, कोई भी हक की, अधिकार की बात हो, मान सम्मान की बात हो, तो डॉक्टर रितु कभी पीछे नहीं हटी। ये जो FIRs हैं ये बेसिकली इसीलिए मैं बता रही हूँ मेडल्स हैं, हमेशा हारे के, चाहे वो रेडी पटरी वालों के मुद्दे हों, उन मुद्दों को हल करवाना, उनके ऊपर जो झूठी FIR है उनके केसेस कोर्ट तक लेके जाने और उनको पूरी लीगल टीम प्रोवाइड करना, मसलों को हल करना, ये डॉक्टर रितु के काम है। डॉक्टर रितु ने बातें नहीं करी, बहुत कम उम्र में बिना पावर के संघर्ष किया, और इन सब के अगर ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं, इन दोनों प्रत्याशियों ने, तिवारी जी ने और टंडन जी ने ये काम किया है तो मुझे बताएं। और ये सब झूठ का प्रचार कर रहे हैं, इनके पास अपना कोई बेस नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर रितु अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी आवाज़ और अपने स्टैंड के लिए जानी जाती है, तो मेरी विचारधारा काम करने वाली है, मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों के काम करती हूँ, और इस बार चंडीगढ़ की जनता डेफिनेटली, मुझे जो लग रहा है जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ बीच में जाके, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है और गुस्सा भी मिल रहा है, क्योंकि वो सताए हुए हैं, वो लोग डॉक्टर रितु को चुनेंगे और भर के प्यार देंगे, और डॉक्टर रितु ही अल्टरनेटिव उनके लिए है, और खासकर महिलाओं के लिए। सब ने झूठे नारे लगाए यहां पे, अगर महिलाओं को, मैं तो लोगों को यही कह रही हूं कि जब भी आप वोट देने जाएं, अपनी बच्चियों को घर पे देख लें, अगर उनका सशक्तिकरण, उनकी अच्छी स्थिति जाते हैं, तो हर महिला को, स्ट्रांग वुमेन शुड सपोर्ट ईच अदर, मुझे वोट देके आपको जिताना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ चंडीगढ़ लोकसभा सीट से बसपा की प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह, जिनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, तो शहर की जनता को जो है इन दोनों पार्टियों से बचना चाहिए और बसपा की तरफ वोट करना चाहिए ताकि उनके मुद्दे हल हो सके। धन्यवाद साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए।